क्या नाम मैडम आपका? सरिता नाम है मेरा। सरिता जी, एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या इसका मकसद, आपका उद्देश्य क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका? एक्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शहर के कुछ अलग अलग क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा शहर में बहुत तरह के टैलेंट शोज हो रहे हैं, बहुत तरह के बच्चों को टैलेंट, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हें स्टेज दिया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, बहुत आगे आगे तक उन्हें ले जाया जा रहा है। लेकिन उन लोगों ने फिर ये सोचा कि ये उन बच्चों के लिए क्यों नहीं हो रहा है जो उस स्टेज तक पहुँच ही नहीं सकते। सो एक टीचर होने के नाते नैन्सी जी, एक आरजे होने के नाते कशिक जी, एक बिजनेसमैन होने के नाते धीरज जी, और हमारी और भी टीम जो हमारी शामिल है, ये लोगों ने जब देखा कि भाई टैलेंट ऐसा तो नहीं कि टैलेंट सिर्फ उन बच्चों के पास है, टैलेंट तो कहीं भी हो सकता है, तो स्लम एरियाज में ये लोग गए, इन लोगों ने बहुत सारे सर्वेस किए, देखा कि वहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड है बट उनके पास स्टेज नहीं है। और जनरली मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब आप कुछ करने की सोचते हो ना तो आपको रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलते हैं, एक्सेप्टेंस तो कहीं नहीं मिलती। अगर आप बोलोगे कि ना कि देखो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं कि अरे अरे ठीक है पैसे कमाने के तरीके हैं। और देखिए ना, भावेश है हमारे साथ यहाँ पे, भावेश दो दिन पहले नॉर्मली अपने काम से निकल जाता, प्रैक्टिसेस देखने आया और अपने आप जुड़ गया। उसको किसी चीज़ की नहीं पड़ी थी, उसने बोला मैं आके बच्चों को खुद अब देखूंगा, खुद ट्रेन करूंगा। सो ये एक डिफरेंस है। देखिए दूर से बोलने से नहीं समझ आता, आके ग्राउंड रियलिटी पे खड़े होगे ना, देखोगे ना, सब समझ आ जाएगा। जिस तरह बताया मैडम ने आपने कि स्लम से निकलते हुए बच्चों, आप लोग करते किस तरह, आप लोग मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर कैसे होते हैं वहाँ आने की तरफ के लिए आने? एक्चुअली इन बच्चों के अंदर इतनी आग है, इतना टैलेंट है कि ये हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हम इन्हें नहीं इंस्पायर कर रहे हैं, ये हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि प्लीज़ आइए और हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको उभारिए, हमें एक स्टेज दीजिए, ये हमें इंस्पायर कर रहे हैं और हम लोग इनसे इंस्पायर होकर हम लोग ये काम करने को एक तरह से कहिए मजबूर टाइप हो गए हम लोग। मैं तो बल्कि कहूँगी कि मैं उतना नहीं वक्त दे पा रही हूँ, बट ये लोग जो वहाँ पर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं उन बच्चों के साथ, 200-250 बच्चों से मैनेज करके हम 80 बच्चों को एक साथ स्टेज पे लेके आ रहे हैं, वो भी स्लम के बच्चों को, उनको प्रॉपरली ग्रूम किया जा रहा है, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग डांस के टीचर, सिंगिंग के टीचर, सारे लोग पूरा 12-12 घंटे वहाँ पे दे रहे हैं कि इन बच्चों को ग्रूम किया जाए, और इतनी उत्साह से वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सिर्फ वो बच्चे ही नहीं उनके माँ बाप इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे स्लम के बच्चों को जो शायद एक अच्छे हॉल में घुस भी नहीं सकते, उनको इतना बड़ा और इतना अच्छा स्टेज दिया जा रहा है। उनके लिए अगर देखा जाए तो ये कोई सामान देना, कोई मदद कर देना, कोई कुछ कर देना नहीं है, सिर्फ उनके बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बना देना है कि अगली बार शायद वो शहर के किसी बड़े टैलेंट शो में खुद जाके अपना नॉमिनेशन करवा ले, खुद रजिस्ट्रेशन करा ले कि आई कैन डू, मैं इस स्टेज पे चढ़ के जा सकता हूँ। तो हम उन्हें वो फंडामेंटल ग्रोथ जो होती है ना, हम उनका बेस बस समझ लीजिए आप तैयार कर रहे हैं, आत्मविश्वास बना रहे हैं, बाकी तो वो आसमान तक उड़ी जाए। नादन परिंदे के लिए जो अपने टीम जो बना रखी मेंटर्स की, कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं मेंटर्स जो है, जो बच्चों को ग्रूम दे कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं बच्चों? देखिए सबसे बड़ी बात ये कि ये एक कैंपेन, ये एक इवेंट नहीं है, हम शहर भर के स्लम्स में ये करेंगे। तो अभी जो मेंटर, अभी जो यहाँ पर जो इन बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, वो हमारे शहर से ही हैं, कुछ लखनऊ के आसपास के भी हैं, लखनऊ से कुछ एक दो लोग आते हैं जो जिनका काम लखनऊ में भी चलता है, वो यहाँ पर आके सिखा रहे हैं, बट बेसिकली हमारे अपने शहर के लोग हैं, हमारे अपने ही लोग हैं जो जिनको पता चलता जा रहा है और वो जुड़ते जा रहे हैं। जैसे आशीष प्रभाकर जी हैं, अनिल जोशी जी हैं जो कि सिंगिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, और आशीष जी डांस सिखा रहे हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं जिनके यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डांस एकेडमी है, कुछ स्टंट सिखा रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं, और कुछ उनका ऐसा कुछ नहीं है, बट इवन देन वो आके वहाँ पर खड़े होकर लोगों के साथ सब कुछ उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। हमारा जो कोरियोग्राफर है, स्टेज कोरियोग्राफर जो है, बहुत मेहनत ये लोग कर रहे हैं, अपना समय रोक के, अपने कामों को रोक के वो यहाँ बच्चों के साथ अपना 12-12 घंटे वो लोग लगा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो मैडम जब बताया जिस तरह की आपने कैंपेन शुरुआत की, कब से शुरू हो रहा है, कब? ये कल 14 नवंबर से बाल दिवस से हम शुरू कर रहे हैं इसको, और पहला स्टेज जो दे रहे हैं हम जिन स्लम के बच्चों को, वो अस्पताल घाट का स्लम है, VIP रोड में जो स्लम है, वहाँ के बच्चों से शुरू कर रहे हैं। और उम्मीद है अगर आप लोगों का साथ साथ रहेगा तो हम शहर भर के स्लम्स में जाएंगे। आप भी अगर हमें जानकारी देना चाहें कि भाई शहर के किसी एक जगह पर ऐसा स्लम है जहाँ बहुत सारे बच्चे, उन्हें मदद की ज़रूरत है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, उन्हें एक दिन का खाना, जैसा कि कशिक जी ने बोला कि एक दिन का खाना या एक दिन का कोई कपड़ा देने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह शहर में है, हम तो बराबर ढूंढ रहे हैं और कई जगह हमने फाइंड आउट कर रखी है, स्पॉट आउट कर रखी है, आपको भी लगता है तो आप हमें उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, हम लोग उसको जरूर काम करेंगे। थैंक यू।